क्या? कह तो तुम ठीक रही हो, जब उसने मेरा नहीं सोचा तो तुम क्या चीज हो? कसूर से तो नहीं है, तुम्हारे मंगेतर का भी तथा रिश्ता लेकर तुम उसे क्यों नहीं समझाती? लेकिन क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता, और ये स्टेटस वगैरह को मैं नहीं मानती। आपको जो करना है आप कर। नाजरीन, हम टीवी का ड्रामा सीरियल बिक रहे हैं, हम के आने वाले एपिसोड के अंदर बहुत ही जबरदस्त सीन होंगे। आने वाले एपिसोड के अंदर आप देखेंगे पेरिश अपनी अम्मी से कहेगी कि जितने जल्द हो सकता है मेरी शादी सारिम से हो जानी चाहिए, और आप वहां जाकर कहें कि हमें जल्दी रिश्ता करना है। इसके बाद पेरिश की अम्मी कहती है बिल्कुल ऐसा ही होगा, तुम क्यों डर रही हो जब सारिम तुम्हारे साथ है और फिर जल्द शादी भी हो जाएगी। जिसके जवाब में पेरिश कहती है मुझे यही तो डर है, सारिम मेरे साथ नहीं है, उसको उसकी अम्मी ने बहुत मुश्किल से राजी किया है। तो फिर सहरिश की माँ कहती है कि अगर सारिम राजी नहीं है तो फिर तुम क्यों जोर लगा रही हो, क्या पता शादी के बाद कोई मसला ना हो जाए। इसके बाद सहरिश कहती है मुझे किसी भी सूरत सारिम चाहिए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं कर सकती हूँ। ये बात सुनकर सहरिश की अम्मी डर जाती है, क्योंकि वो जान जाती है कि शादी के बाद कोई ना कोई बड़ा मसला होगा अगर सारिम पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ सारिम के ख्यालों में हर वक्त रूमी के ही ख्याल रहते हैं, और वो उठते बैठते हर जगह रूमी का ही सोचता रहता है, और दिल ही दिल में ये कहता है कि किस तरीके से मैंने रूमी को हासिल करना है, क्योंकि सारिम बिल्कुल भी सहरिश को पसंद नहीं करता, वो रूमी को ही चाहता है अगरचे वो शादीशुदा एक बच्चे की माँ है। नाजरीन, अब आप ही कमेंट्स में बताएं कि इस मौके पर सारिम को क्या करना चाहिए, रूमी से या सहरिश से शादी करनी चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर